नमस्कार, टेस्टी चटकाना में आपका स्वागत है। आज हम बिल का जूस बनाएंगे। उसके लिए किसकी चीज की आवश्यकता है ये देखें। ये बिल है, इसको फोड़कर हम इसका अंदर का गूदा निकालेंगे। चीनी है, अब इसमें और चाहे तो आप दूध मिला सकते हैं, चाहे पानी है, लेकिन हम पानी मिलाएंगे। पानी से क्या ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, दूध डालने से बार बार गाढ़ा होता रहता है, इसलिए हम पानी मिलाएंगे। इसको इस तरीके से फोड़ेंगे। ये फूट गया, ये अंदर का जो गूदा है उसको हम निकालेंगे चम्मच से। इस तरीके से हम इसका गूदा निकालेंगे। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये ठंडा होता है बिल का जूस, और पेट के संबंधित बीमारियों के लिए भी अच्छा रहता है ये। इसको गर्मी में पीना चाहिए। इस तरीके से गूदा निकालेंगे हम। इसको ज़्यादा घिस घिस के नहीं निकालेंगे, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा। फिर इसको हम पानी डालकर ये ऐसे निकाल लिया। अब इसमें हम पानी डाल के इसको मसल के छान लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये पानी डाल के इस तरीके से मसल मसल के हम इसको सारे को छान लेंगे। हम डायरेक्ट मिक्सी में नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये बीज होते हैं इसमें, ये ऐसे तो ये पीस जाते हैं, इससे कड़वा बना जाता है। हम इसे इसे कर करके पहले पूरा छान लेंगे, इसका सारा अच्छे से गूदा निकाल लेंगे, बीज अलग हो जाएंगे। देखिए, ये अब हमने ऐसे हाथों से मसल लिया। अब इसको हम छानेंगे दो तीन बार, इस तरह से पानी डाल डाल के हम छलनी के अंदर छान लेंगे। ये सारा कचरा निकल जाएगा, इसका बीज वगैरह। इसको वापस से छान के फिर थोड़ा पानी डालेंगे और सारा इसका निकाल लेंगे हम। इसमें फिर थोड़ा पानी डालेंगे हम, और फिर इसी तरीके से मसल के सारा निकाल लेंगे इसका। ऐसे दो तीन बार करेंगे तो सारा इसका गूदा निकल जाएगा नीचे छन के, और ये कचरा ऊपर रह जाएगा। ये देखिए, इसमें बीज और कचरा वगैरह है ना, ये सारा निकल जाएगा इसमें। इसको एक बार और करेंगे और सारा इसका गूदा निकाल लेंगे। अब ये देखिए, नीचे रस निकल गया सारा इसका, और ये कचरा ऊपर रह गया। अब इस कचरे को तो हम फेंक देंगे। ये गूदा निकल गया। अब हम इसको चीनी डाल के, चाहे तो आप ऐसे हाथ से फेंट ले या फिर मिक्सी में चला ले। अब ये सारा कचरा है ये, अब इसको हम फेंक देंगे, और नीचे का इसको थोड़ा मिक्सी में चला लेंगे चीनी डाल के। अब इसको हम मिक्सी में चला लेंगे चीनी डाल के। अब हम इसे जार में भरेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भर लेंगे, और इसमें चीनी डाल के और थोड़ा मिक्सी में चला लेंगे तो अच्छा फिट जाएगा। तरीके से
कितना अच्छा हो गया। ये अब हम इसमें निकाल लेंगे, ऐसे ही ये सारा चला लेंगे मिक्सी के अंदर। हमारा सारा फिट गया है और हम चाहे तो इसमें दूध भी मिला सकते हैं, लेकिन इसका नेचुरल जो स्वाद होता है वो पानी से आता है, दूध से स्वाद बिगड़ जाता है इसका, इसलिए हम इसको पानी में ही बनाएंगे। अब आइए हम सर्व करते हैं इसको बर्फ के साथ। अगर आपको बर्फ नहीं डालनी है तो आप फ्रिज में रख के इसको ठंडा करके फिर पी सकते हैं। ये हमारा बिल का जूस तैयार है पीने के लिए। ये बहुत अच्छा होता है गर्मियों में, ठंडा रहता है ये।